शक्ल से नहीं लगता ये लिखने वाले होंगे। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, शक्ल से नहीं लगता कि ये लिखने वाले होंगे। शक्ल तो मतलब मेरे मुंह के दो हाथ बनी होनी चाहिए थी, शक्ल तो लगा दे मैं लिख लूं, मेरा होल्डर वाला मुंह होना चाहिए, कोई बंदा भी चलता नहीं था। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਨੇ ਬੁੱਤੀ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਐ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲਾ ਨਾਲ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਚ ਬੁਰਜੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਲੈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਲਿਆ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਹਾਣੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸਿਮਟ ਪਾ ਦੇਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਹੋਈ बना रहा खाना खाएंगे सब लोग, इसलिए इट्स अ ब्रेक फॉर डिनर, फॉर पराठा डिनर इट्स अ ब्रेक। तेन मैं चंगा भला चढ़ गया सी उधर माल भी बता रहे जराओ चार साल जी बड़ा अच्छा ड्रामा है जी, और इसका नाम है जो आजकल मशहूर ड्रामा है मेरे पास तुम हो, और इसमें सिर्फ हमने नाम यूज़ किया है, कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल चेंज है, और बड़ा अच्छा ड्रामा है, बड़ी मेहनत हो रही है जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़ी रिहर्सल हो रही है, मेरा इसमें बड़ा टिपिकल रोल है और बिल्कुल चेंज रोल है, इस दफ़ा मैं ओल्ड रोल कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप आके देखेंगे, एक बड़ा ही डिफरेंट ड्रामा है, बिल्कुल ये तो होता ना एज़ यूजुअल बंदा कहता है कि जी डिफरेंट ड्रामा है, सचमुच ये बिल्कुल डिफरेंट ड्रामा है, और जो टीवी वाला ड्रामा है उसमें कोई उसका बस नाम है, बाकी सारा अंदर समझते हैं कि जन्म की मेली चादर का ये हर दौर की कहानी होती है, हर दौर में ऑडियंस भी वैसी होती है, वैसा ही चेंज होता है, ऑडियंस के हिसाब से सारा सिस्टम करते हैं, ऑडियंस क्योंकि पहले पीटीवी होता था, सिर्फ एंटीना होता था, एक बंदा ऊपर बाकी 70 बंदे नीचे सफ़े बिछा के, ना पता लगता था टीवी देख रहे, ना पता लगता नीचे खोल रहे, वो अब चेंज है, 135 चैनल तो पाकिस्तान के हैं, और फिर बरमार है, उसको आज के दौर में पब्लिक को थिएटर पर लाना बहुत मुश्किल है उस हिसाब से, तो उस दौर का ड्रामा आज हमें इसमें मसाले डालने पड़ते हैं, इसमें आज के दौर की जो मतलब अब टांगे की बात, मेरे बच्चे को तो नहीं पता क्योंकि उसने देखा नहीं टांगा, तो लिहाजा जिस जनरेशन की बात हो रही हो उसी जनरेशन की बात करनी चाहिए, तो फिर ही पब्लिक को समझ आए, आज पब्लिक बच्चों ने चिंची देखा है, चिंची का लाफ्टर आएगा, टांगे का नहीं आएगा, तो लिहाजा विकी साहब हमेशा डिफरेंट लाइन लेके आते हैं और बड़ी मेहनत करवाते हैं, और हमारी खुशनसीबी है कि हमें ऐसा सरप्रस्त मिला है, और कोशिश करेंगे हमेशा की तरह कि तमाशील जो भी आवाम आती है उन्हें खुश करके भेजें, एंटरटेन करके भेजें, वो डांस हो, वो रोमांस हो, वो लाइन हो, आपको पता है कि विकी साहब की ड्रामे में एक इसलाह ज़रूर होता है, एक पहलू ऐसा होता है जो पब्लिक लेके जाए, कॉमेडी भी होती है, डांस भी म्यारी होता है, इसीलिए उन्हें आज के दौर का बेहतरीन डायरेक्टर समझा जाता है, बहुत शुक्रिया जी। तो जैसे विक्की साहब का जिक्र कर रहे थे, विक्की साहब खाना खा रहे थे, यहीं पे उसको डिस्टर्ब करेंगे। हाँ जी विक्की साहब, ड्रामे की वन लाइन इस दफ़ा आपने क्या रखी है? ये ड्रामा जो है मेरे पास तुम हो, ये हमने समझ लेकर खलील साहब का जो ड्रामा ए टू आई टीवी के ऊपर उसको ट्रिब्यूट पेश किया हमने, उन्होंने बहुत आला कहानी बनाई, तो कहानी हमारी अलग है, नाम हमने वो यूज़ किया है लेकिन उसी चीज़ के ऊपर बेस करती हुई है, मतलब टर्न्स भी उसकी मतलब चेंज है, तो थिएटर की नज़र से देखा है हमने और कॉमेडी अंदाज में देखा है कि कॉमेडी अंदाज में इस कहानी को हम कैसे देखेंगे, तो मतलब उसमें यह है कि औरत की तज़ीक ना हो और मर्द की बेइज्जती ना हो, दोनों की डिग्निटी जो है वो बरकरार रहे,
और हंसी खुशी में कहानी लोगों तक जो पहुंचाई जाए और उसका एक जो दूसरा अक्स है वो किस तरह से होना चाहिए, जो थिएटर में मतलब कॉमेडी का आंसर होता है, हमने उसको वैसे बनाया और इंशाल्लाह जैसी हमारी रिहर्सल हो रही है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जब हमारे व्यूवर देखें, हमारे शायकीन ड्रामा देखेंगे, वो टोटली इससे मतलब एग्री होंगे या इंस्पायर होंगे और ये फर्मुला कहने पर मजबूर होंगे कि कहानी भी अच्छी थी और अगर नाम रखा तो सही रखा है। सर, इस ड्रामे के बारे में यही सुन रहे जो आप कर रहे हैं कि ये रिहर्सल आप तकरीबन एक वीक से कर रहे हैं? हाँ जी, ये रिहर्सल के बगैर करने वाला ड्रामा नहीं था क्योंकि इसकी जो वन लाइन है वो थोड़ी मुश्किल है, तो उसको बेस करते हुए जैसे होता है ना कि कोई चीज़ रीढ़ की हड्डी होती है, तो जो रीढ़ की हड्डी है उसको डिस्कस करने के लिए रिहर्सल करनी पड़ी है, तो हम लोग इसकी रिहर्सल कर रहे हैं और ड्रामा बहुत अच्छा बन रहा है। अच्छा, कभी आपसे ये नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हैं इसमें, आप क्या रोल कर रहे हैं इसमें? मैं एक राइटर का रोल कर रहा हूँ, राइटर है जिसकी बीवी है और कहानी लिखता है वो, तो उसके बाद उसी राइटर के साथ जो उसने लिखा है ना उसके साथ वही हादसा हो जाता है। भाई इतनी आपको बात बाकी खाना खा लें टिकट साहब टिकट यार इसमें करैक्टर मेरा ऐसा है कि बहुत ही अच्छा करैक्टर है, तो एक जवाई है जो बहुत ही खपती जवाई ना, तो जो खपती, तो विक्की साहब ने बड़ी मेहनत की है, माशाल्लाह पूरा ड्रामा ही उस रोल के लिए बना दिया है, तो बड़ी अच्छी सिचुएशन है। मसलन के नाम उन्होंने रखा है मेरे पास चुनो, लेकिन ड्रामा मुख्तलिफ है बिल्कुल, मसलन के कहानी कहीं जाके मिलेगी थोड़ी सी, लेकिन ये कि सारा विक्की साहब का आपको पता है कि अपना ड्रामा होता है, नया होता है, तो इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आने वाला है ड्रामा। और मैंने विक्की साहब को चैलेंज भी किया है कि मैंने उनसे इनाम लेना है इस मरतबा ड्रामा, मसलन उन्होंने जो रोल मुझे दिया है, मैंने कहा जी आप मुझे पहले शो पर इनाम देंगे या फिर धक्के दोगे, कुछ ना कुछ होएगा ये ना, फिर और ज़्यादा चांस इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इनाम के, और नाम लेना भी उनसे और उड़ा के रख देंगे विक्की साहब नहीं अपने स्टाइल में उड़ा देंगे दसांगा मैं जी। मैं आप इसमें क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी सब देखने वालों को, ये ड्रामा तमासिल थिएटर में फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है मेरे पास तुम हो। नसीम विक्की साहब इसके डायरेक्शन दे रहे हैं और ड्रामे में भी उनका रोल डायरेक्शन का ही है, तो बहुत अच्छा ड्रामा, एक फैमिली ड्रामा, तमासिल में बहुत अच्छे ड्रामे हुए लेकिन ये एक चेंज ड्रामा होगा इंशाल्लाह, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं सब जितने भी एक्ट्रेस हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप कैसी तरफ से? मेरा इसमें नसीम विक्की साहब की बीवी का रोल है जिसमें मेरे शौहर राइटर होते हैं और मैं, हम लोग गरीब मियाँ बीवी होते हैं, तो फिर मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, सरप्राइज सॉन्ग कौन सा था? ये भी नहीं बताती क्योंकि ये क्या वजह थी, क्यों नहीं बताते आप? फिर लोग कैसे देखने आएंगे? नहीं, लोगों ने सॉन्ग थोड़ा देखा, उन्होंने तो सिर्फ सुनना है ना कि ये सॉन्ग आप कर रहे हैं। हाँ ज़्यादा, लेकिन मुझे पब्लिक एक्ट में भी पसंद करती है, सॉन्ग में भी, लेकिन सॉन्ग मैं अभी नहीं बताऊँगी, फिर आप आए तो देखें मैं कौन सा सॉन्ग कर रही हूँ। ड्रामे के हवाले से अपने पब्लिक के लिए जो आपके चाहने वाले यहाँ पे आते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैं यही मैसेज दूंगी कि ऐसे ऐसे ड्रामे नसीम विक्की साहब ने बनाए हैं कि मिस करने वाले नहीं होते, आप लोग लाजमी हैं क्योंकि हम एक्ट्रेस आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग ना आए तो ये अच्छी बात नहीं, मेरे ख्याल में लोग ये नहीं हो सकता कि ना आए, आएँगे जरूर। मैं इसकी रिहर्सल भी तकरीबन एक वीक से चल रही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है, वही ना कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेरे ख्याल में तमासिल में ऐसा होता है कि एक वीक रिहर्सल होती है, 5 दिन रिहर्सल, 6 दिन रिहर्सल, तो रिहर्सल करने से मेरे ख्याल में ड्रामा मजबूत होता है, एक्टर मजबूत होता है, ताकि हम लोग पब्लिक को एक अच्छा चेंज और अच्छा ड्रामा देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर। ये तो आपने ड्रामे के हवाले से नसीम विक्की साहब के भी कमेंट सुने और बाकी फनकारों को भी सुने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ड्रामा एक चेंज लाएगा थिएटर इंडस्ट्री में, बाकी लोग जब आप आके ड्रामा देखेंगे तो तब ही फैसला होगा इसका। अल्लाह हाफ़िज़।